पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो सारा धरा मेडे जी। बच्चों कोई बात नहीं। शायद सियालकोट के एक नवाही गांव के रिहायशी वफाकी वज़ीर दाखला रहमान मलिक के वालदैन ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन वजीर होगा और लोग उसे एजाजी डिग्रियों से नवाजेंगे। लोग सालों की तपस्या करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं, मगर रहमान मलिक ने तो पलक झपकते में ही मुल्क की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक से मुल्क की सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर ली। कि ये शुगल की बातें, उनको शुगल में रहने दें। वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, उनको डिग्री ना भी मिलती फिर भी वो डॉक्टर हैं। लवर बॉय होते तो मैं समझता हूँ कि कोई भी उनकी जो लवर होते वो कभी नाराज़ नहीं होती, और हम जैसे लोग जो नाकाम लवर्स हैं जिनकी हमेशा जो है वो लवर्स नाराज़ होकर चली जाती हैं छोड़कर, मैं समझता हूँ हमें भी उनसे सीखना चाहिए। ये कोयटा के पार्लियामेंटेरियन हैं जो कोयटा में जारी दहशतगर्दी और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर आने जाने वालों से एक मासूम सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उसने कुछ किया इस मुल्क के लिए, कोई अमन अमान इसने कायम किया है या कराची में या पूरे पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में, मुझे आप कोई एक मिसाल तो दें। एमक्यूएम मलिक साहब की सलाहियतों की बड़ी मोतरफ है। झूठे वादों में ये हम हमेशा एक मार्जिन देते हैं कि ये लैक ऑफ विल है या लैक ऑफ एबिलिटी है। लोग कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि अब पीपल्स पार्टी में डॉक्टर बाबर आवान के बाद एक और डॉक्टर का इजाफा हो गया है। आतफ खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।